तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेबी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं हूँ ढिंग गेट टोकाव का एक एरिया। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ बजाज का शोरूम एक नया बाइक लेने के लिए। आप लोग प्लीज़ देखिए अंत तक क्या बाइक है, कौन सा है। ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया है कौन सा बाइक है। देखिए गाइस इस बार बाइक खरीदने के लिए पहले इस बाइक को सेल करना पड़ेगा, सेल करके फिर हम लोग जा रहे हैं बाइक खरीदने के लिए। अभी मैं हूँ यहाँ पे, रहे स्वेप। स्वेप भाई क्या क्या हाल चाल है बोलो। अच्छा है तुम्हारा भाई? बहुत बढ़िया। वीडियो में अंत में पता चलेगा क्या होना है आज, क्या होगा क्या होगा अंत में पता चलेगा। तो प्लीज देखिए अंत तक। पैसा होटल कर रहा है? नहीं वो उसको नहीं दिखाओ भाई। अभी हम जाएंगे डीलर पे तो ले लेंगे। I don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. तो फाइनली स्वेप ने आज बाइक जो उसका पहला बाइक था कितने में सेल हुआ, 40,000 में। तो अभी हम पहुंच गए बजाज का शोरूम, क्या RS 200। मैंने तो बोला था जब मैं MT15 का वीडियो डाला था तब बोला था कि एक बाइक RS लूंगा, तब मैं बोला था। फाइनली आज उसका सपना पूरा होने जा रहे हैं। तो अभी डिलीवरी है, जाता हूँ अंदर। देखिए बजाज का शोरूम है। Above the skies, overseas, I hear them all those places call. बाजी कब आएगा ये? एक दो महीने बाद वीडियो आएगा ना वीडियो भी आएगा, जरूर आएगा। ये क्या डोमिनार कितना 400 है ना। अमीर लोग दो क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, दो क्रेडिट कार्ड जो जिसको सब अमीर लोग हमारे क्रेडिट कार्ड अब क्या क्या फील हो रहा है बोलो। मन में अच्छा, कितने साल का सपना पूरा हुआ? मैंने सेकंड ईयर का बाद में डिसीजन लिया। अभी 2000 years later. कौन सा फाइनेंस है? हम ले रहे थे डोमिनार फॉर लाइक हमारा। हां उसका फाइनेंस लेना, माने फाइनेंस पे लेना पड़ेगा। मतलब फाइनेंस पे लेना पड़ेगा लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई थी, चले नहीं ले पाए। दो महीने लेकिन हमारा जो फाइनेंस का वो रुपए है ना वो नहीं कट कर नहीं लेके जा रहा है। देखो उसका सॉल्यूशन क्या है, फाइनेंस में नहीं बाइक लेना तो डायरेक्ट कैश में ले लो। पहले इतने सारे क्रेडिट कार्ड दिखाया तुमने, वो तो हमारा ही। क्या हुआ अब? क्या हुआ अब? क्या हुआ पैसा कहाँ गया? हमारा क्रेडिट कार्ड में तो इतना पैसा नहीं है, आप लोग जानते ही हो। तो दोस्तों आप लोग को हमारा यूट्यूबर है ना, उससे पूछिए ना। उसका यूट्यूबर का यूट्यूबर से हम ले लेंगे पैसा। हाँ वो तो इससे हम ले लेंगे, वो सब मजाक था, सिर्फ मजाक के लिए। ये हो रहा बहुत जल्दी। पाजी मैं पाजी बुलाता हूँ उसको, वो भी एक बाइक लेने जा रहे हैं डोमिनार 400। तो इसके बाद तबाही होगा, वो हमारा RS निकल के आ रहे हैं। RS हो रहा ए निकल गया बाइक लेने। सारे पेपर वॉक्स भी ख़त्म हो चुका है उधर में, फिर मैं अंत में बताऊंगा कि कितना प्राइस था, इंटरेस्ट वगैरह कितना। तो
स्वैप। हाँ भाई फाइनली साइन हो चुका है ना। हाँ भाई कितना पड़ा भाई टोटल? 285 लाख। और इंटरेस्टेड कितना था? इंटरेस्ट होगा 85,000। रेट कितना? रेट मेरे हिसाब से 9 से 12 के अंदर होगा। बाकी यदि आप डायरेक्ट कैश टू कैश लेते तो 2 लाख में आ जाते हैं बाइक। आज सोएब एक तबाही पार्टी देगा हम लोगों को। आज दे दूंगा। हो गया आज का दिन हम लोगों का। तो गाइस आखिर में बताओ तो बाइक पड़ा है कम से कम 2,85,000 रुपये फाइनेंस में लिया 3 साल का। मंथली कितना? 5,000 कितना करके आएगा? और 700। और यदि आप लोग लेते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ नगाँव में है। यदि आपके आसपास में बजाज शोरूम में जाके बात कर सकते हैं। बाइक अच्छा है। RS 200 बाइक है, बहुत अच्छा बाइक है। लीजिए, उसका सपना पूरा हुआ। धीरे धीरे सब लोगों का सपना पूरा हुआ। कितने सारे साइंस देखे? सोएब बोल रहे कि कितना साइन भाई बाइक ले रहे हो तुम 2,85,000 रुपये, कितना साइन तो करना पड़ता है ना। करो भाई साइन करो, ऐसे भी कुछ लिखते भी नहीं होंगे कुछ दिन में। पूरी दिन कॉलेज में लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ता है। You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. पेट्रोल कितना है? एकदम खाली है ना? पेट्रोल खाली है। थोड़ा पेट्रोल दे देना चाहिए, अभी जाना पड़ेगा। ये देखिए राइडर, हैवी राइडर, ये हेलमेट मिला है साथ में बजाज का। तो भी चलते हैं गाइस, फर्स्ट राइड हो दे दे। अरे तू हटे your life, live your dream.